नमस्कार दोस्तों, उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है हॉर्टिकल्चर का ही, उद्यानिकी से संबंधित प्रमुख नाम या उपनाम या प्रचलित नाम कह सकते हैं। सबसे पहले है अपना आम को किस किस नाम से जाना जाता है अपने भारत में। भारत का राष्ट्रीय फल, फलों का राजा। बाथरूम फल, राष्ट्रीय राजदूत। बाथरूम फल पर आप विशेष ध्यान देना, बाथरूम फल छोटे बच्चे खाते हैं तो उन आपको पता ही है आम पीले कलर का होता है तो फिर उनका मुंह धोना पड़ता है, इसलिए इसका नाम बाथरूम फल भी निकाल दिया। अब लीची या मैंगोस्टिन, कभी कभी ऑप्शन में लीची नहीं मिलती है, कभी मैंगोस्टिन, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा फलों की रानी, या तो मैंगोस्टिन मिलेगा या लीची मिलेगा। नेक्स्ट है बेर, वेरी इंपॉर्टेंट है बेर, अनेक बार पूछा गया है। शुष्क फलों का राजा या गरीब का सेब के नाम से ज्यादा पूछा जाता है इसको, गरीब का सेब किसे कहा जाता है, बेर को। बेर की एक किस्म भी है वो भी ज्यादा पूछी जाती है, भाई सेब किसकी किस्म है, बेर की होती है, सेब किसकी किस्म है। अब अगला, सेब को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण फलों का राजा, क्योंकि ये ठंडी जलवायु में होता है, अपने यहाँ कम होता है। अमरूद उष्ण फलों का राजा या उष्ण फलों का सेब है या उष्ण जलवायु का सेब कहते हैं अमरूद को। काली मिर्च को कहते हैं अपन मसालों का राजा। छोटी इलायची को कहेंगे मसालों की रानी। गुलाब है, गुलाब को कहेंगे फूलों का राजा, और गुलाब डॉक्टर बीपी पाल को गुलाब का पिता कहा जाता है। गुलाब का पिता किसको कहा जाता है, डॉक्टर बीपी पाल को। गुलदावदी फूलों की रानी। कॉफी हो गया अपना पेय पदार्थों का राजा, और चाय हो गई अपनी पेय पदार्थों की रानी। नेक्स्ट अपना टेक, जिसको अपन जंगली बबूल बोलते हैं, जंगलों में यही मिलता जाता है, इस कारण इसको नाम रख दिया जंगल का राजा। ढाक या फलास, बिल्कुल कोमल पौधा होता है, कोमल पत्तियां होती है इसके, इस कारण इसको जंगल की आग में अधिक तापमान के कारण जून के महीनों में 45-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है, जिस कारण इसमें आग लगने की संभावना होती है, इस कारण इसका नाम जंगल की आग रखा गया। नारियल, नारियल को कहते हैं अपन कल्प वृक्ष। केला सवरक का पेड़। पपीता मेलन ट्री, क्योंकि पपीता का जो उद्यान होता है उसमें 10% मेल पौधे लगाए जाते हैं, 10% नर पौधे। पूछा भी जाता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में, पपीते के उद्यान में कितने प्रतिशत नर पौधे रखे जाते हैं, 10%, इस कारण इसका नाम मेलन ट्री रख दिया। खजूर, खजूर को सेंचुरी प्लांट, अपन घूमने जाते हैं सेंचुरी में तो खजूर के पौधे मोस्टली मिलते ही मिलते हैं, इस कारण इसका नाम सेंचुरी प्लांट रखा गया। फिर नेक्स्ट है आंवला, इंडियन गुजबेरी। आंवला का नाम क्या रखा, इंडियन गुजबेरी के नाम से जाना जाता है। जामुन, जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी। जामुन आता ही ब्लैक कलर का है तो इंडियन ब्लैकबेरी कह दिया इसको। कोकोआ भगवान का भोजन कहा जाता है कोकोआ को, और टमाटर जो पिछली बार सुपरवाइजर में WM क्वेश्चन भी पूछा गया था इसका, गरीब टमाटर को गरीब का संतरा किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, टमाटर को कहा जाता है। और एक अपना राजस्थान का कल्प वृक्ष, यानी खेजड़ी होती है उसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष। इसका वानस्पतिक नाम भी पूछ लिया जाता है खेजड़ी का, प्रोसोपिस सिनेरिया, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। ओके दोस्तों, आज का टॉपिक अपना कंप्लीट।